जीके किड्स। मीरा और जादुई मछली। बहुत समय पहले भारत के पहाड़ों और जंगलों से गिरे एक सुंदर से गांव में मीरा नाम की एक छोटी और प्यारी बच्ची रहती थी। वह गांव बहुत शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। वहां के लोग अपने खेतों में मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे और हर दिन सूरज की सुनहरी किरणों के साथ नए दिन की शुरुआत होती थी। चारों ओर हरियाली, खेतों में नए नहाती फसलें और गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जो पूरे गांव के लिए जीवन रेखा था। इसी तालाब से गांव के लोग पानी पीते थे, जानवर इसी से अपनी प्यास बुझाते थे और खेतों की सिंचाई भी तालाब के पानी से ही होती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव के लोगों ने तालाब का ख्याल रखना बंद कर दिया था। लोग तालाब के किनारे कचरा फेंकने लगे थे और धीरे धीरे तालाब गंदा होता चला गया। मछलियां मरने लगी और तालाब का पानी इतना कम हो गया कि वह सूखने के कगार पर पहुंच गया। गांव में सभी लोग परेशान थे, लेकिन कोई भी इसके समाधान के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहा था। मीरा केवल 8 साल की थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे गांव का तालाब बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ तालाब के किनारे बैठकर खेलती, पक्षियों की आवाज सुनती और पेड़ों की छांव में सपने देखती। उसके लिए तालाब केवल एक पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि उसकी एक खास दोस्ती तालाब से थी। वह रोज तालाब में तैरती मछलियों को देखती और उनके साथ बातें करती। उसे तालाब के पास बैठकर कहानियां पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जब तालाब सूखने लगा तो मीरा का दिल उदास हो गया। मीरा को तालाब के गंदे और सूखते पानी को देखकर बहुत दुख होता था। उसे लगता था कि अगर तालाब पूरी तरह सूख गया तो उसका गांव और वहां की हरियाली खत्म हो जाएगी। उसने कई बार अपने माता पिता से इस बारे में बात की, लेकिन वे उसकी बात को हल्के में लेते थे। ये तो प्राकृतिक चीजें हैं मीरा, उसके पिता कहते, हम कुछ नहीं कर सकते, यह तो समय के साथ होता ही है। लेकिन मीरा का दिल मानने को तैयार नहीं था। वह सोचती कि जरूर कुछ ऐसा होगा जो तालाब को फिर से भर सकता है। एक दिन मीरा ने तालाब के किनारे अकेले बैठकर अपने विचारों में खोई हुई थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश शुरू होने वाली थी। अचानक उसने तालाब में कुछ चमकता हुआ देखा। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर उसने देखा कि तालाब के पानी में एक अजीब सी हलचल हो रही है। धीरे धीरे तालाब के बीचों बीच से एक चमकदार मछली उभरी। उसकी त्वचा सुनहरे और इंद्रधनुषी रंगों से चमक रही थी और उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमय चमक थी। मछली की पूंछ लंबी और नाजुक थी और उसके तराजू सूरज की किरणों की तरह चमक रहे थे। मीरा ने मछली को देखकर दंग रह गई। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, यह कुछ खास थी। तभी मछली ने मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, तुम तालाब के लिए बहुत चिंता करती हो। मीरा ने हैरानी से पूछा, तुम बोल सकती हो और तुम कौन हो? मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जादुई मछली हूँ, मैं इस तालाब की रक्षक हूँ और मैं कई वर्षों से यहाँ रहती आई हूँ। जब तालाब साफ और सुंदर था तो मैं बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब जैसे जैसे तालाब गंदा और सूखता जा रहा है, मेरा जीवन भी कठिन होता जा रहा है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। मीरा ने चौंक कर पूछा, तुम सच में मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हो? मछली ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें और गांव वालों को तालाब को साफ करना होगा। अगर तुम सब मिलकर तालाब की सफाई करोगे तो मैं अपनी जादुई शक्तियों से इसे हमेशा के लिए भरपूर जल से भर दूंगी और तुम्हारी एक मनोकामना भी पूरी कर दूंगी। मीरा मछली की बात सुनकर उत्साहित हो गई। उसने तुरंत मछली से वादा किया कि वह तालाब की सफाई के लिए कुछ करेगी। अगले दिन वह गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करने गई। सबसे पहले उसने अपने माता पिता से बात की। उसने मछली के बारे में बताया।
लेकिन माता पिता ने इसे एक कहानी समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मीरा ने हार नहीं मानी और गांव के मुखिया के पास गई। मुखिया एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति थे। जब मीरा ने उन्हें पूरी बात बताई तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मीरा की सच्चाई और उसके दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसकी बात मानी। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को एक बैठक में बुलाया और मीरा की बात सभी के सामने रखी। कुछ लोग हंसे और बोले, यह तो एक बच्ची की कल्पना है, लेकिन कुछ लोगों ने तालाब की हालत को देखकर कहा, चाहे यह कहानी हो या सच, अगर हम तालाब की सफाई करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, इससे तो हम सबको ही लाभ होगा। मीरा की बात मानकर गांव के लोग तालाब की सफाई में जुट गए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सबने मिलकर तालाब के चारों ओर फैले कचड़े को हटाया। गांव के कुछ लोगों ने तालाब के पानी की गंदगी को बाहर निकालने का काम शुरू किया। गांव की महिलाएं भी मदद करने के लिए आगे आई और उन्होंने तालाब के किनारों पर जमी गंदगी को साफ किया। धीरे धीरे तालाब की सफाई होने लगी। यह काम आसान नहीं था, लेकिन गांव के लोग एकजुट होकर मेहनत कर रहे थे। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद तालाब धीरे धीरे फिर से अपनी पुरानी सुंदरता में लौटने लगा। उसके पानी में चमक आने लगी और मछलियाँ फिर से खुशी से तैरने लगी। गांव के लोग देखकर हैरान थे कि उनकी मेहनत रंग लाई है। तालाब की सफाई ने न केवल गांव को जल का स्रोत लौटाया, बल्कि गांव वालों को भी एकजुट कर दिया। एक रात जब तालाब पूरी तरह से साफ हो गया, मछली ने फिर से मीरा को बुलाया। तालाब के बीचों बीच पानी से वह चमकती हुई मछली फिर उभरी। उसकी चमक और भी तेज हो गई थी और उसकी आंखों में संतुष्टि झलक रही थी। उसने मीरा से कहा, तुम और तुम्हारे गांव के लोगों ने तालाब को फिर से जीवन दे दिया है। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगी। तुम्हारी एक मनोकामना पूरी करने का समय आ गया है। बताओ तुम क्या चाहती हो? मीरा ने कुछ देर सोचा। उसके मन में कई विचार आए, जैसे कि वह अपने लिए कुछ मांग सकती थी, लेकिन उसने गांव के बारे में सोचा। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के लोग हमेशा खुश रहे और कोई भी भूखा न रहे। मछली ने मीरा की बात सुनकर प्रसन्नता से सिर हिलाया। उसने कहा, तुम्हारी यह मनोकामना बहुत नेक है, मैं इसे पूरी करूँगी। अब इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखेगा और यह हमेशा तुम्हारे गांव की जरूरतों को पूरा करेगा। तुम्हारा गांव समृद्ध और खुशहाल रहेगा। मीरा की इच्छा पूरी होने के बाद गांव में कई बदलाव आने लगे। तालाब का पानी फिर से शुद्ध और मीठा हो गया, जिससे खेतों में फसलें लहलहाने लगी। धन्यवाद।